हाँ जी ये क्वेश्चन मैंने लिखा है बेटे लेक्चर नंबर 20 ऑफ वेक्टर। ओके सो क्वेश्चन है इफ वेक्टर ए इक्वल टू दिस वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू दिस देन फाइंड ए क्रॉस बी भी दिया है तो हमें बी की वैल्यू चाहिए। आईआईटी 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। करें भाई अच्छा हम सभी जानते हैं कि अगर वेक्टर ए क्रॉस बी हम फाइंड आउट करें तो क्या आएगा देखिएगा क्योंकि ए क्रॉस बी भी हमें गिवन है और ए डॉट बी गिवन है। ये आएगा वेक्टर ए डॉट बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इंटू क्या आएगा बाहर इस बार आएगा वेक्टर बी फर्स्ट इंटू थर्ड का डॉट प्रोडक्ट और सेकंड आउटसाइड फर्स्ट इंटू सेकंड का डॉट एंड थर्ड आउटसाइड। ओके सो ये हमारे पास आ गया वेक्टर ए डॉट बी हमारे पास क्या गिवन है उसकी वैल्यू 1 है तो यहां 1 पुट कर देंगे इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट ए यानी कि मॉड ए स्क्वायर इंटू वेक्टर बी। मॉड ए क्या आने वाला है अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या आएगा बेटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर ये देखो ना यहां से मॉड ए आप निकालोगे तो आएगा अंडर रूट 3 और उसका स्क्वायर क्या आएगा 3 माइनस 3 बी वेक्टर। ओके सो दैट विल बी ए क्रॉस बी ये हमने निकाला 3 बी वेक्टर। कुछ गलत लिखा है बताइए सही है सर चलिए हमें पूछा उसमें वेक्टर बी। ओके सो ए क्रॉस बी आ गया हमारा वेक्टर ए माइनस 3 बी वेक्टर अगर हमने फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो बी वेक्टर पता होना चाहिए हमारे पास बी वेक्टर क्या है भी सोचो जरा बी वेक्टर तो हमें फाइंड आउट करना है ना चलो करते हैं तो ये आएगा वेक्टर ए माइनस 3 बी है ना इसको सॉल्व करते हैं वेक्टर ए भी हमारे पास है लेकिन बी हमारे पास नहीं है और वेक्टर ए क्रॉस बी क्या आने वाला है चलिए एक काम करते हैं इस साइड में मैंने जो नहीं लिखा है लेफ्ट साइड में क्योंकि ये राइट हैंड साइड है मेरी लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर ए आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और इसका क्रॉस होगा ए क्रॉस बी के साथ यानी कि जे कैप माइनस के कैप के साथ। ओके तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बाद में इक्वेट करेंगे देखिएगा कैसे है ना ये क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको करना आता ही है चलिए क्रॉस करते हैं देखते हैं क्या आता है करें भाई इसे सॉल्व। हाँ जी देखिए जरा ये क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आने वाला है इसको जरा सॉल्व करिए और हमें वेक्टर ए की वैल्यू तो पता ही है वो हम यहाँ पुट कर देंगे हाँ सही रहेगा ऐसे ही कर दो ज्यादा बेटर है। सो आई क्रॉस जे फिर आएगा माइनस आई क्रॉस के कैप देखिए फर्स्ट जाके इन दोनों से क्रॉस कर रहा है जे कैप जाके जे के साथ क्रॉस करेगा तो जे क्रॉस जे फिर जे के साथ कर रहा है जे क्रॉस के फिर के जाके क्रॉस करेगा जे के साथ और फिर के माइनस के साथ ही क्रॉस करेगा ठीक है जी तो आई क्रॉस जे बच्चा जानता है क्या होता है के इसकी वैल्यू होती है के आई क्रॉस के क्या होगा अच्छा के क्रॉस आई क्या होता है देखिएगा आई कैप जे कैप और ये के कैप सो के क्रॉस आई एम आस्किंग के क्रॉस आई ये बाहर की तरफ के है देखिएगा ये के है और इसका क्रॉस किसके साथ करना है आपने आई के साथ है ना ये के है और ये आई है तो सोचिए आई क्रॉस के क्या आएगा अगर मैं इधर से इधर की तरफ आ रहा हूं आई क्रॉस के ठीक है तो ऊपर की तरफ जे की डायरेक्शन दे रहा है वो किसकी डायरेक्शन दे रहा है जे की ठीक है तो जे क्रॉस के किसकी डायरेक्शन आई क्रॉस के किसकी डायरेक्शन देगा आई क्रॉस के का मतलब माइनस जे तो प्लस का जे हो जाएगा जे क्रॉस जे तो 1 ही आएगा माइनस फिर जे क्रॉस के ये रहा जे और ये बाहर की तरफ के है तो आप इसकी तरफ आ रहे हो तो बाहर की तरफ ये डायरेक्शन दे रहा है इस तरफ से जे क्रॉस के कर रहे हो तो आई की डायरेक्शन दे रहा है सो माइनस आई कैप हाँ जी करिए आगे के क्रॉस जे हाँ जी के क्रॉस जे माइनस आई का डायरेक्शन देगा ठीक है सो माइनस आई और फिर के क्रॉस के बेटे अगर किसी को ये नहीं करना आता एक और मेथड भी है हमारे पास है ना उससे भी करा देंगे तो 0 आएगा सो ये और ये कैंसिल हो गए तो बचा क्या के कैप माइनस ये बच रहा है देखेगा जरा ध्यान से मुझे एक मिस्टेक लग रही है ना चेक कर लीजिएगा एक बार है ना और अगर आप ऐसे करते हो ए क्रॉस हाँ ए क्रॉस बी हाँ ठीक है वैसे भी कर सकते हैं देखिए वेक्टर ए और उसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस बी के साथ
तो ये आपका आएगा वेक्टर ए क्या हमारा भाई, वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस बी के साथ, यानी कि जे कैप माइनस के कैप के साथ। तो यहाँ आएगा आई जे के, फिर आएगा बेटे वन 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 कोएफिशिएंट आ गए, फिर इसका कोएफिशिएंट क्या आई का जीरो, जे का वन है, के का माइनस वन। इसको करिए ये आएगा आई कैप, कॉलम और रो को छोड़ देते हैं हम लोग, याद है ना, आई कैप का अगर लिया है तो उसको कॉलम रो ड्रॉप कर दो, माइनस वन फिर माइनस वन, माइनस जे कैप कॉलम और रो को ड्रॉप कर दो, माइनस वन माइनस जीरो प्लस के कैप, के कैप में क्या आ जाएगा ये कॉलम और रो को ड्रॉप कर दो वन माइनस जीरो, तो ये आ जाएगा माइनस टू आई कैप। हाँ हुई है गलती बेटे, वहां पक्का 100% गलती है, माइनस टू आई कैप और प्लस जे कैप और फिर प्लस के कैप, के कैप तो हमारा आया है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है हमसे, चेक कर लेना यार, है ना, बस यहाँ के कैप आएगा जे कैप आएगा, जिसको हमने आई कैप लिखा हुआ है, देख लेना कहाँ मिस्टेक हुई है, दोबारा से मैं फिर से देख लेता हूँ। आई क्रॉस जे क्या होगा, के ही होगा, ये तो सही है, आई क्रॉस जे तो बाहर की तरफ आता है आई, एक मिनट, ये आपका जे है, ये आई है, ये आई है और ये जे है, अगर मैं आई क्रॉस जे की बात करूं तो बाहर की तरफ आएगा के कैप, ठीक है, आई क्रॉस के, इसमें गलती हुई होगी पक्का, ये आई यहां है और ये आपका के है, तो डायरेक्शन देखो किधर बनेगी इसकी, आई से के की तरफ आ रहे हो आप, ये आई है इधर और इधर आप के की तरफ आ रहे हो, तो डायरेक्शन किधर मिल रही है आपको, बाहर की तरफ के अंदर की तरफ, तो ये जे कैप की डायरेक्शन है, लेकिन माइनस जे कैप ही आना चाहिए क्योंकि नीचे की तरफ डायरेक्शन देगा कि नहीं देगा ये, हाँ, और फिर क्या बचा भाई हमारा, तो यार जे कैप ही तो लिखा था हमने, हाँ सॉरी बेटे वो मैंने कैंसिल कर दिया, ये जे कैप ही था, वो गलती होगी हमसे, है ना, सो माइनस टू आई प्लस जे प्लस सही तो था सब, हाँ सॉरी ये मैंने कैंसिल कर दिया, वो आई नहीं था बेटे, वो जे ही था, तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो, देखिएगा विजिबल है आपको, माइनस टू आई, हाँ सही, माइनस टू आई प्लस जे प्लस के कैप, सॉरी हमसे गलती होगी, तो यहाँ जे कैप था बेटे, है ना। अब बेटे ये हमारा जो भी आया इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ, और यहाँ से थ्री बी की वैल्यू आ जाएगी, किसकी, 3b की वैल्यू आ जाएगी, है ना, सो ये हमारा जो आया बिल्कुल सही है, यानी कि ये आ गया वेक्टर a माइनस 3b वेक्टर, तो इसको इधर ले आओ, 3b को इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके, और वेक्टर a में से ये माइनस हो जाएगा, चलिए वेक्टर a क्या है हमारा, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और इस वेक्टर से हमें माइनस करना है इसको, ये है माइनस 2i कैप, लेकिन उधर जाके ये पॉजिटिव 2i हो जाएगा, ओके okay? और ये माइनस का जे कैप और फिर माइनस का ये हमने करना, ठीक है, करें, यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो देखिएगा क्या आ रहा है, आई कैप और माइनस टू आई कैप में से माइनस टू आई कैप माइनस करूं, देखो कुछ गड़बड़ हुई है क्या, फिर से हो रहा है, मुझे लग रहा है मिस्टेक हो गई है, सब सही है, प्लस जे प्लस के, हाँ सब सही है, गुड, करते हैं ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आई कैप माइनस टू आई कैप, दैट विल बी माइनस आई कैप जे कैप प्लस जे कैप प्लस टू जे कैप के कैप प्लस के कैप, दैट विल बी टू के कैप, सो ये हमारा आ गया थ्री बी वेक्टर, ठीक है, सो अगर ये थ्री बी वेक्टर आ गया तो यहां से वेक्टर बी क्या आएगा, सोचिए, है ना, और फिर हमें वेक्टर बी की वैल्यू यहां पुट कर देनी है, और जो भी आता है वेक्टर बी यहां से देखेगा, ठीक है, सो थ्री बी वैक्टर, कहीं गलती हुई है मुझे लग रहा है, फिर बार बार देख रहा हूँ, थ्री बी वैक्टर इक्वल टू सिर्फ थ्री आई बचना चाहिए, वैक्टर बी इज क्या आएगा, वैक्टर बी की वैल्यू निकालनी है, और माइनस आई प्लस टू जे प्लस टू के, माइनस आई प्लस टू जे, एक मिनट से मुझे देखना दो जरा, ये आपका आया वेक्टर ए, ए भी गुजर ले लिया, वेक्टर ए था हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, उसमें से माइनस किया हमने, ये माइनस का टू आई था, उधर जाके प्लस का टू आई हुआ, इसको देखो जरा, के कैप और जे कैप ये सही है, क्रॉस प्रोडक्ट से भी हमने निकाला था इनको, माइनस टू आई प्लस जे प्लस के, सही तो है, और थ्री भी आ जाएगा आपका वेक्टर ए माइनस थ्री बी माइनस टू आई
जे प्लस के। अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं वेक्टर ए को, तो क्या आता है? देखो वेक्टर ए माइनस थ्री बी, थ्री बी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस टू आई प्लस जे प्लस के, माइनस टू आई प्लस जे प्लस के। हाँ ये यहाँ गड़बड़ हुई है, और माइनस टू आई प्लस जे प्लस के जैसा है उसको वैसे रहने दो पहले तो। और वेक्टर ए की जो वैल्यू है वो है हमारी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बेटे देखो जरा चेक करो, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, और ये हमारा आ जाएगा जो भी आएगा सॉल्व होने के बाद में, वो मैं वैल्यू आपको बता सकता हूँ, है ना? इस तरीके से आना चाहिए। और ये फिर देना आएगा आपका आई, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, थ्री आई कैप और जे कैप कैंसिल हो जाएगा, के कैप से के कैप कैंसिल हो जाएगा, प्लस तो ये थ्री या थ्री कैंसिल हो जाएंगे, तो वेक्टर बी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आई कैप। सो दैट इज द आंसर। मिस्टेक का हुई है ये, मुझे अभी भी नहीं समझ आया, है ना? एक बार आप लोग देख लीजिएगा, शायद आपको मिल जाए। ये आना चाहिए, थ्री बी को हम इधर लेके जा रहे हैं, इसको इस साइड लेके जा रहे हैं। देख लेना बेटे, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, और वेक्टर बी ये अलग होगा, है ना? इस क्वेश्चन को देख के आपको एक बात तो समझ में आ जाएगी कि भाई सर ने जो प्रूफ कराया था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, उसका क्या बेनिफिट है, उसके क्या फायदे हैं, वो इससे आपको पता लग जाएगा। हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो ऑर्थोगोनल हो इस वेक्टर के, यानी कि ये वेक्टर ए है हमारा, और इसके ऑर्थोगोनल चाहिए, यानी कि थ्री आई प्लस टू जे कैप प्लस सिक्स के कैप, एक ये वेक्टर है, एंड इज कोप्लेनर विद द वेक्टर्स, और इसके ऑर्थोगोनल चाहिए और इन दोनों की प्लेन में चाहिए। ये दोनों वेक्टर्स क्या है? एक वेक्टर बी है, वो दिया हुआ है आपको टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हियर, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ही इज आस्किंग दोस दैट वेक्टर व्हिच इज ऑर्थोगोनल टू दिस एंड परपेंडिकुलर इन द प्लेन ऑफ दिस इन दीज टू वेक्टर्स। क्या मुझे बता सकते हो कि वो कौन सा वेक्टर है जो ऑर्थोगोनल हो एक वेक्टर के और दो वेक्टर्स की प्लेन में हो? बता दें। चलिए, वो वेक्टर है आपका वेक्टर पी, और वो वेक्टर पी क्या है आपका, आपको कराया हुआ है मैंने वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हो, यानी कि वो इन दोनों की प्लेन में आता है और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वो बी क्रॉस सी के लिए, लेकिन बी और सी की प्लेन में, और ए के क्या है, ए के क्या है, बी परपेंडिकुलर है। ओके, आप तो बोनल भी कह सकते हैं, करें इसे सॉल्व। चलिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो बच्चा बच्चा सॉल्व करना जानता है, ये होता है वेक्टर ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट बी इंटू वेक्टर सी, फर्स्ट थर्ड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अरे याद कर लो भाई, है ना? वेक्टर ए डॉट सी, दिस थ्री इंटू वन थ्री, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, सिक्स इंटू वन सिक्स, ये तो आता होगा डॉट प्रोडक्ट, ए और सी का किया मैंने, है ना? और वेक्टर बी को बाहर पहले लिख लेता हूं, बाद में इसको जो भी आएगा, है ना? माइनस ए डॉट बी दिस इंटू दिस, थ्री टू जा सिक्स, टू वन जा टू, सिक्स वन जा सिक्स, वेक्टर सी बाहर। सॉल्व करिए इसे, थ्री माइनस टू वन, वन प्लस सिक्स सेवन बी, माइनस सिक्स प्लस टू एट, एट प्लस सिक्स फोर्टीन, सी वेक्टर, ये जो भी आया इसको हम जानते हैं ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, किसके ए के और बी और सी की प्लेन में है। लेकिन उसने कहा क्या, उसने कहा कि हमें वो वेक्टर चाहिए जो यूनिट भी हो, यूनिट मींस उसका मैग्नीट्यूड वन हो, यानी कि ये वेक्टर पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, सेवन बी माइनस फोर्टीन सी को सॉल्व करता हूं मैं, तो वेक्टर पी जो आएगा वो आएगा सेवन वेक्टर बी, पी मैंने इसलिए लिया क्योंकि ऑलरेडी आपको पी लेके ही समझाया था मैंने, है ना? तो ये है टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ओके, माइनस फोर्टीन सी, सी बेटे क्या है हमारा, सी इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, करें इसे सॉल्व। तो सेवन टू जा फोर्टीन, फोर्टीन माइनस फोर्टीन कैंसिल हो गया, देखो इजी कर रहा हूं आपके लिए, आईटी इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं देता है। सेवन जा सेवन, सेवन और प्लस फोर्टीन दोनों जुड़ जाएंगे, ट्वेंटी वन जे कैप, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन होता है ना जी, हाँ थ्री जुड़ गया, सेवन के कैप माइनस फोर्टीन के कैप, तो ये आ जाएगा माइनस सेवन
के कैप। इसके उसने कहा कि इसके इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर का मतलब है इस वेक्टर को इसके मॉडल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दिया 21 के स्क्वायर से और -7 के स्क्वायर से। तो जो भी आता है बेटे उसको सॉल्व करना है, और है ना बाकी आप समझदार हो है ना यार। तो यार लेकर 21 जे का -7 के का, 11 12th वाले तो थोड़े बच्चे हो जाते हैं है ना। तो 7 स्क्वायर को बाहर निकाल लो, 7 स्क्वायर को बाहर निकाला यहाँ, और ये आपका आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये 7 स्क्वायर बाहर निकाल दो, यहाँ 7 भी कॉमन आ गया है, तो आ जाएगा 3 जे कैप माइनस के कैप और अपॉन में आ गया बेटे 7 और अंडर रूट के अंदर आ गया 9 प्लस 1 10 3j माइनस के और अंडर रूट 10। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो आगे बढ़ते हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ी सी ट्रिक लगानी होती है थर्ड नंबर में। देखिएगा एक ट्रिक क्या है, मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताता हूँ इसमें, कि जो बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए और सी क्रॉस डी, ये तीन चीजें दिख रही हैं आपको, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए एंड एक मिनट थोड़ा, वैसे डॉट तो चाहे इधर उधर रिवर्स भी कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम्यूटेटिव होता है। बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए और फिर लेना आप सी क्रॉस डी, ये तीन ले लो, यानी कि वैक्टर बी क्रॉस सी वो आपने यू मान लिया, सी क्रॉस ए को आप वी मान लो एंड सी क्रॉस डी को डब्ल्यू। ओके ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी उसको देखिए हम क्या करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यह आ जाएगा बी क्रॉस सी की जगह आपने वेक्टर यू पुट किया इसकी जगह, सो यह आ गया वेक्टर यू डॉट वेक्टर ए क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस ए की जगह वी पुट किया तो आ जाएगा वेक्टर वी डॉट बी क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस डी की जगह पुट कर दो डब्ल्यू, वेक्टर ए क्रॉस डी डॉट डब्ल्यू वेक्टर, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चलिए करें। तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर इस डॉट की जगह मैं क्रॉस लगा देता हूं यू क्रॉस वेक्टर ए, और जहां क्रॉस है वहां क्या लगा देता हूं, डॉट लगा देता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ऑलरेडी बताया था मैंने जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कराया था और उससे पहले उसके बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कराया, लेकिन ये पहले पॉइंट बताया था मैंने आपको। ओके नेक्स्ट, ऐसे ही इसमें भी करते हैं। ठीक है, यहां आ जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी और फिर आ जाएगा डॉट वेक्टर डी प्लस, यहां भी ऐसे ही होगा, हाँ यह डॉट ले लो इसका एक मिनट, हाँ इसके साथ क्रॉस करा देगा बी क्रॉस डब्ल्यू, हाँ ये सही रहेगा वेक्टर ए डॉट, देखो जरा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए है ना, ए क्रॉस बी या फिर इसको ऐसे रहने दो, ये भी हाँ इसको ऐसे रहने दो, वेक्टर ए क्रॉस बी और डॉट डब्ल्यू। ओके सही है सर, हाँ जी, अब मैं इसको करता हूँ आगे। ठीक है जी, चलिए ए क्रॉस बी डॉट डब्ल्यू था, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं वेक्टर ए डॉट, या था वेक्टर ए डॉट, हाँ डॉट तो जैसे भी, हाँ ठीक ठीक ये सही रहेगा, वेक्टर ए डॉट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस डब्ल्यू। ये बॉक्स क्या है और ये किसका बॉक्स है और ये किसका बॉक्स है, सोचिए ये यू ए डी और ये आएगा वी बी डी और ये आएगा ए बी डब्ल्यू। ओके ठीक है जी, चलिए अब इसके आगे मैं जो स्टेप लिखने वाला हूं उसके जरा ध्यान से लिखिएगा बेटे, आपके सामने तो लिखिए मैं स्टेप लिख दूंगा फिर आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा। वेक्टर यू की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ, बी क्रॉस सी, जाएगा वेक्टर बी क्रॉस सी और फिर उसका क्रॉस होगा ए के साथ, फिर डॉट होगा उसका
डी के साथ, है ना। तो ऐसे बी में पुट कर दो, बी में क्या पुट करेंगे, सी क्रॉस डी, और इसका क्रॉस होगा बी के साथ और फिर डॉट होगा डी के साथ। ऐसे ही वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस डब्ल्यू की वैल्यू हमने क्या किसको लेट किया था, सी क्रॉस डी को। सो इस तरीके से आप कर, ठीक है। ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाँ जी सॉल्व करते हैं इसको। ये आएगा वेक्टर बी डॉट ए, फिर बाहर कौन आएगा, वेक्टर सी माइनस, फिर आएगा वेक्टर बी डॉट सी, बाहर आ जाएगा वेक्टर ए, और पूरे का होल बाहर है डी। सही लिखा है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट ऐसे इसको करते हैं, ये आ जाएगा प्लस सी डॉट बी, और बाहर आ जाएगा वेक्टर डी माइनस सी डॉट डी, बाहर आ जाएगा वेक्टर बी, और पूरे का होल बाहर में आ जाएगा डी प्लस लास्ट। ये स्टेप बचा बेटे, जो हमेशा याद रखो करो कि जो बॉक्स वाले हैं उनको दो बार बाहर दिया जाता है इस तरीके से, है ना। चलिए इस बार फिर से वही काम करना है, बी डॉट सी, बाहर आ जाएगा वेक्टर डी माइनस बी डॉट डी, और इसमें बाहर आ जाएगा वेक्टर सी, ये इस तरीके से, और एक साथ आओ, ठीक है। बाकी काम कर सकते हो आप, देखिए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े, अब मैं एक काम और छोटा सा काम करने वाला हूं, इसमें देखिएगा, ये हमारा है वेक्टर ए डॉट बी, और सी जाके इसके साथ क्या करेगा, डॉट करेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा वेक्टर ए डॉट बी इनटू वेक्टर सी डॉट डी, बोलिए माइनस विजिबल होगा आपको, ठीक है। फिर आएगा हाँ जी ए डॉट बी इंटू सी डॉट डी, फिर आएगा बी डॉट सी, जो भी आता है उसको लिखते जाते हैं हम लोग, है ना, जो भी आ रहा है यहां। तो नेक्स्ट आएगा आपका सी डॉट ए, एक मिनट, हाँ गड़बड़ तो नहीं हुई है, सी डॉट ए इंटू वेक्टर बी, बाहर आना था, हाँ बेटे यहाँ गलती हो गई है, बाहर यहाँ वेक्टर बी नहीं आना था, बॉक्स वाला हमेशा बाहर आता है ना, हाँ सॉरी, तो यहाँ आना था सी डॉट ए, सॉरी सी डॉट ए, ये ठीक है। तो इस बार हमारा आने वाला है यहाँ वेक्टर सी डॉट ए इंटू वेक्टर बी डॉट डी, ऐसे यहाँ भी होगा सी डॉट बी बी, और बाहर आ जाएगा वैक्टर डी डॉट डी, ओके सी डॉट बी इंटू वेक्टर, जब हमने सी डॉट बी किया था, सॉरी ये ए है बाहर, ये सो सी डॉट बी, और फिर आएगा वेक्टर ए डॉट डी, ऐसे ही आपका क्या आएगा माइनस सी डॉट डी, और यहाँ बाहर की गलतियां हो गई हैं बेटे यहाँ, है ना, और सी डॉट बी और बाहर ए ने आना था, फिर सी डॉट ए और बाहर बी ने आना था, यहाँ ए है ये, डी ना समझना इससे, ठीक है। तो सी डॉट डी, और फिर आ गया वेक्टर ए और वेक्टर बी डॉट डी, ये वेक्टर बी डॉट डी, देखिएगा एक बार ए और डी में कहीं कंफ्यूजन हो जाता है एक बार, है ना। चलो, और फिर आपका बचा जो स्टेप है उसको लिख लेते हैं, ये वाला ये आ जाएगा आपका वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर ए डॉट डी माइनस वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर सी डॉट ए, ओके ठीक है।
अब देखिएगा कुछ कैंसिलेशन होने वाला है यहाँ, और कैंसिलेशन होने के बाद में आंसर आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखिए ठीक है, सब कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और वो आप देख सकते हो ये बी डॉट कौन सा भी, इसका प्लस माइनस हो गए, कैंसिल होने वाले हैं बस। ये प्लस वाला है, इसका माइनस वाले के साथ इसको हटाओ यार, वेक्टर ए डॉट डी और सी डॉट डी वाला है वो भी कर देते हैं, प्लस माइनस में हुई है मिस्टेक। सी डॉट ए बी डॉट डी प्लस सी डॉट बी ए डॉट डी और फिर है माइनस ए डॉट बी सी डॉट डी ए डॉट डी। हाँ बेटे, प्लस माइनस इस तरीके से कटिंग होगी इनकी, और लास्ट में क्या आएगा, जीरो आएगा बस। ये इसको देखना कहीं प्लस माइनस में कहीं गलती ना हुई हो, बाकी सब सही है ना। देख लो लास्ट स्टेप, ठीक है नी, चेक करिएगा एक बार, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ नहीं तो ये स्टेप, ठीक है देखिएगा। बेटे गलती के कारण पूरा क्वेश्चन गलत हुआ है हमारा, है ना, जब प्लस माइनस नहीं आ रहे थे। गलती ये हुई हमसे कि यहाँ बी डॉट ए और फिर सी बाहर था, फिर देखिए बेटे सी डॉट ए और इस बार बी बाहर था, ऐसे यहां भी करना था, सी डॉट बी किया तो ए को हमने बाहर लिया था, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सही है, ये ए है, इसको डी हमने शायद मान लिया हो, ये सी डॉट बी और ए बाहर, इस बार हमने क्या किया, सी डॉट बी और ए को बाहर निकाला, सी डॉट ए और फिर बी को बाहर निकालना था, नहीं हमें करना था ए डॉट बी और सी को बाहर निकालना था, सॉरी सी बॉक्स के अंदर है ना, ए डॉट बी और फिर सी को हमने बाहर निकालना था, ये काम करना था, ये गलती हुई हमसे है ना। और फिर आपका यहां इसको ऐसे लिखा रहा, तो वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी डॉट डी और बाहर निकालना था सी वैक्टर को, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर है, फिर माइनस बी डॉट सी और बाहर निकालना था डी वैक्टर, ये काम करना, और फिर लास्ट में हमारा आंसर आ जाना था, बस ये मिस्टेक हुई है, बाकी प्लस माइनस हो गई है, सब क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे, ठीक है जी। सो जैसे ये सी डॉट डी बी डॉट ए आएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे लास्ट में ना, और इस तरीके से, और आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखिए अब कोई गलती नहीं है, बट ये लास्ट क्वेश्चन मैंने उठाया है, उस क्वेश्चन में जो गलती हुई है इस बार हम नहीं दोहराने वाले, उसको रिपीट नहीं करेंगे वो, फिर मैं आपको इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया बच्चे, है ना। देखिए ए डॉट सी और बाहर आ जाएगा वेक्टर बी, फिर आएगा माइनस वेक्टर ए डॉट सी और बाहर आ जाएगा बी, प्लस फिर आएगा आपका वेक्टर बी डॉट ए और बाहर आ जाएगा आपका वेक्टर सी, माइनस इस बार वेक्टर बी डॉट सी और बाहर आ जाएगा वेक्टर ए, ऐसे यहां भी करिए वेक्टर सी डॉट ए बाहर आ जाएगा वेक्टर बी, माइनस सी डॉट बी और बाहर आ जाएगा वेक्टर बी, ठीक है जी। हाँ जी, अगर मैं इसको प्लस कर ले लूं और फिर ये इस टाइप से माइनस का आ जाएगा, पीछे की तरफ आएगा, हाँ सी डॉट बी और वेक्टर ए, हाँ इसको बाहर लूंगे आप, फिर माइनस सी डॉट बी वेक्टर ए और फिर आ जाएगा सी डॉट ए और फिर वेक्टर बी, ठीक है। अगर ऐसे करते हैं प्लस माइनस तो इस तरीके से आएगा, है ना, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, फिर भी वो आंसर जीरो ही आने वाला है आपका, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे आंसर जीरो आता है, देखिएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, कुछ बच्चे कह रहे हो कि सब प्लस, वैसे भी आ जाता अगर उसको भी माइनस लेता तो भी आ जाता है ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा वो ज्यादा। ये बी डॉट सी और वेक्टर ए, ये और ये दोनों सभी चारों के चारों निपट गए और यहाँ से जीरो आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर मैं उसको चेंज नहीं करता तो भी आंसर जीरो आना था, है ना। बाकी ओके, थैंक यू।